नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। यूपी में जारी विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनभद्र में जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य है कि आज हम यूक्रेन में फंसे हुए हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने में इतना बड़ा अभियान चला पा रहे हैं। आज दुनिया में जो हालात बने हुए हैं वो आप देख रहे हैं। इसके साथ ही पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वो घोर परिवारवादी लोग भारत को कभी ताकतवर नहीं बना सकते। इन घोर परिवारवादियों ने कदम कदम पर भारत का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। यूपी के मिर्जापुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज दुनिया के किसी देश की हैसियत नहीं है कि वो भारत की तरफ आंख उठाकर देख सके। यही नहीं कि राजनाथ सिंह ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि योगी जी ने हमसे बेहतर यूपी की सरकार चलाई है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है नए भारत के निर्माण का, नए भारत के निर्माण में आपका यह मतदान ऐतिहासिक साबित होगा, यह मेरा पूरा विश्वास है। यूपी का चुनावी रण अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। सियासी दल सातवें चरण के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी गुरुवार को अखिलेश यादव के साथ वाराणसी में संयुक्त रैली करेंगी और साथ ही रोड शो में भी शामिल होंगी। बता दें, इससे पहले ममता बनर्जी 7 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची थी, जहां उन्होंने अखिलेश यादव के समर्थन में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। यूपी विधानसभा चुनाव खत्म होने और नतीजे आने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में प्रशासन पहले से एक्शन में नजर आ रहा है। बता दें कि अयोध्या के जिलाधिकारी आवास का बोर्ड, जो कि पहले भगवा रंग का हुआ करता था, लेकिन प्रशासन ने अब उसे बदल कर हरे रंग का बोर्ड लगा दिया है। दरअसल यूपी में योगी सरकार बनने के बाद बोर्ड का रंग भगवा कर दिया गया था। इस मामले में अयोध्या डीएम का कहना है, रंग बदलने को लेकर मुझे कोई जानकारी नहीं है, ये काम आवास लोक निर्माण विभाग का है, इसलिए लोक निर्माण विभाग ने बोर्ड का रंग अपनी मर्जी से बदला है। हरदोई के एक प्राथमिक विद्यालय में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने आनन फानन में वन विभाग से संपर्क किया। गनीमत रही कि छुट्टी होने की वजह से बच्चे स्कूल में नहीं थे। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। क्रूज ड्रग्स मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आखिरकार क्लीन चिट मिलती दिखाई दे रही है। उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित होता है कि वे एक बड़ी साजिश या अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर सिंडिकेट का हिस्सा थे। दरअसल एनसीबी मुंबई की यूनिट के आरोपों के विपरीत एसआईटी ने एचटी के साथ अपनी जांच के कुछ निष्कर्ष साझा किए, जिसमें बताया गया है कि आर्यन खान के पास कोई ड्रग्स नहीं मिला था। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।